कोरोना वायरस महामारी के बीच सभी को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में बड़े स्तर पर कामयाबी मिली है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन ने हर आयु वर्ग के लोगों पर सुरक्षित और इम्यूनोजेनिसिटी परिणाम दिए, साथ ही इसका कोई गंभीर प्रतिकूल असर भी नहीं दिखाई दिया। कोवैक्सीन से सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। फेज 1 ट्रायल से ज्यादा फेज 2 ट्रायल में लोगों में अच्छे परिणाम देखने को मिले, ऐसे नए डेटा के आधार पर कहा जा रहा है। आपको बता दें कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने ICMR और पुणे स्थित NIV के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी की माने तो कोवैक्सीन पूरी तरह सेफ है। यह वैक्सीन भारत बायोटेक के BSL-3 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित की जा रही है। कुछ दिन पहले DCGI से कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी गई थी। फिलहाल कोवैक्सीन ट्रायल के नए डेटा के मुताबिक एक रूटीन शेड्यूल जिसमें 4 सप्ताह के बाद होने वाला वैक्सीनेशन का मूल्यांकन फेज 2 के ट्रायल में 3 UG और 6 UG के लिए एलजेल IMDG के साथ किया गया था। फेज 1 में वैक्सीन BBV152 के ट्रायल के 3 महीने बाद फेज 2 में सभी कैंडिडेट्स में हाई एंटीबॉडी तैयार हुई। इस ट्रायल में 380 स्वस्थ बच्चे और वयस्क शामिल थे जिनको वैक्सीन की 3 UG और 6 UG डोज दी गई थी। इन परिणामों के आधार पर बताया गया है कि यह वैक्सीन एंटीबॉडीज पैदा कर सकती है जो 6 से 12 महीनों तक आपके बॉडी में बना रह सकता है। फिलहाल भारत बायोटेक ने EUA के जरिए और अधिक डाटा SEC पैनल को भेज दिया है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।